वेलकम है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। फाइनली फायरबोल्ट की सबसे यूनिक डिज़ाइन वाली, वो कह सकते हो सबसे कॉम्पैक्ट लुक में, अगर आपके रिस्ट स्किनी हैं तो आपके लिए परफेक्ट ये वॉच हो सकती है। यस, परफेक्ट वॉच हो सकती है। ये आपको स्क्वायर स्टाइल में मिलने वाली है, फायरबोल्ट कोलाइड यस ल्यूक स्मार्ट वॉच, और 1.32 इंचेस की रेटिना लेवल डिस्प्ले मिलती है इसमें। तो जानते हैं इस वॉच के बारे में। वैसे आप चैनल पे आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। 1.32 इंचेस की रेटिना लेवल डिस्प्ले मिलती है यहाँ पे, 360 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। बेसिकली ये TFT LCD पैनल है और 360 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है। आपको इसमें मेटेलिक डायल मिलेगा देखने के लिए, और बेस इसका पॉलीकार्बोनेट मिलने वाला है। और गाइस स्टील वाले जो सिल्वर वाला स्ट्रैप है, कमाल का लग रहा है, मतलब बहुत ही तगड़ा। उसी के साथ साथ यहाँ पे पीक ब्राइटनेस 500 निट्स की दी गई, तो सनलाइट विजिबिलिटी बेटर हो जाती है यहाँ पे। और बेजल्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ऊपर साइड से एक रिंग दी गई प्रोटेक्शन के लिए, और फ्लैट डिज़ाइन मिलेगा आपको इसका, फ्लैट डिस्प्ले टाइप का। उसी के साथ साथ यहाँ पे पीक ब्राइटनेस जो 500 निट्स की बताई गई है, साथ में पर पिक्सल डेंसिटी शार्पनेस मिलने वाली है, 326 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलेगी। आइकॉनिक स्टाइल एवरीडे, 100 प्लस वॉच फेस मिल जाएंगे, और कस्टमाइजेशन इज अ ट्रू गेम चेंजर फॉर फैशन एंथुजियास्ट हु कंसीडर स्मार्ट वॉच इज अ पार्ट ऑफ दियर एवरीडे लाइफस्टाइल। यस गाइस, ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन मिलेगा इसमें। यस, अब तो ये कॉमन ही हो गया है, ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन देना ही देना है हर एक कंपनी को, तो ये भी इसमें मिल जाएगा आपको। कन्वीनियंस कॉलिंग यहाँ पे, नाउ नो मोर मफल्ड साउंड एक्सपीरियंस, स्मूथ कनेक्टिविटी, फास्ट एंड स्टेबल कनेक्शन, लॉन्ग बैटरी लाइफ, ऑल थैंक्स टू ब्लूटूथ 5.2। तो यहाँ पे सिंगल ब्लूटूथ चिप कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी आपको। उसी के साथ साथ वॉइस असिस्टेंट भी इसमें है। यस, ये भी अच्छी बात है, यहाँ पे गूगल सीरी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और इवन वेदर, इवन आप यहाँ पे अलार्म भी सेट कर सकते हो। और साथ ही में यहाँ पे आपको कटिंग एज डिज़ाइन मिलता है इसका, और स्पीकर माइक का वेंट आपको साइड में मिल जाएगा। और यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो यहाँ पे 70 स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे, तो इस बार अच्छा काम किया है यहाँ पे। 100 200 500 नहीं, 70 स्पोर्ट्स मोड है जो कि स्पेसिफिक है, बेटर है। ट्रैक योर स्पोर्ट, यहाँ पे 70 स्पोर्ट्स मोड जैसा मैंने आपको बताया, और वी इंश्योर दैट यू विल नेवर रन आउट ऑफ ट्रेनिंग मोड्स टू वर्क ऑन। यस, पैन रिंग डिज़ाइन यहाँ पे ल्यूक्स एडिशन है, तो ऑब्वियसली बात है प्रीमियम फील तो देना ही था वॉच को, प्रीमियम लुक तो देना ही था यहाँ पे वॉच को। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बजट ब्रैकेट में भी रखना है, तो ये फायरबोल्ट अच्छा काम कर रही है। रोटेटरी बटन भी मिल जाती है इसमें आपको, तो इसका ध्यान रखा गया है, जो कस्टमर्स को पसंद है रोटेटिंग क्राउन वाला सीन है इसमें। अल्ट्रा थिन एंड अल्ट्रा स्टाइलिश फायरबोल्ट कोलाइड फीचर्स 10.7 mm थिकनेस थिन बॉडी, मेकिंग इट सुपर लाइट जस्ट लाइक अ फेदर। गाइज, बहुत सुपर लाइट तो नहीं है क्योंकि हमने 9.9 mm वाली वॉचेस भी देखी हैं, बट ठीक है गाइज, ये थिन है तो कॉम्पैक्ट रहने वाली है। लास्ट टू मीडियम टू थिन टू स्किनी रिस्ट तक पे चल जाएगी, 4.5 सेंटीमीटर वाले रिस्ट पे भी अच्छी लगेगी ये वॉच। फायरबोल्ट कोलाइड द अनबीटेबल स्मार्ट वॉच। उसी के साथ साथ अल्ट्रा लो पावर कंजप्शन मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल ब्लूटूथ चिप कनेक्टिविटी मिलती है, तो यहाँ पे अल्ट्रा लो पावर कंजप्शन तो हो रही था, ऑब्वियसली बात है। हेल्थ स्वीट यहाँ पे फायरबोल्ट। उसी के साथ साथ SPO2 लेवल मॉनिटर, स्लीप ट्रैकिंग और हार्ट रेट मॉनिटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा इस वॉच में इटसेल्फ। तो गाइस, हेल्थ मॉनिटरिंग का भी ध्यान रखा गया इसमें, एक्स्ट्रा जो फालतू के सेंसर है वो नहीं दिए गए, बीपी मॉनिटर जैसे ये सब चीज़ें नहीं दी गई इसमें। और स्मार्ट नोटिफिकेशन की बात मैं करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन इन द वॉच इटसेल्फ आपको देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ पे क्विक रिप्लाई आप नहीं कर पाओगे वॉच में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और कौन सी एप्लीकेशन से पेयर होगी वो तो बताया नहीं, बट कंपनी ने यहाँ पे बैटरी लाइफ जरूर बताई है। 300 mAh की हाई वोल्टेज बैटरी मिलती है इसमें आपको, 7 days का रन टाइम मिल जाएगा, और कॉलिंग पे आपको 2 to 3 days ईजिली चल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले नहीं है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलेगा, 30 seconds तक का मैक्सिमम डिस्प्ले को वेक रख सकते हो, ये ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। IP68 रेटेड है, बिल्ट विद स्टैंड द टफेस्ट एनवायरमेंट। यस, तो यहाँ पे IP68 रेटेड है, 1.5 meters टू 30 minutes तक डीप स्विमिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं यूज़ नहीं कर सकते, ओपन स्विमिंग में कर सकते हो, हैंड वैंड वॉश कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्ट फीचर्स की बात मैं करूँ तो वेदर कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, वेदर अपडेट्स यहाँ पे आप चेक कर पाओगे, टेक अ वेदर चेक, गेट कॉन्स्टेंट वेदर अपडेट्स ऑन योर वॉच विद पेयर्ड विद योर फोन। यस, उसी के साथ साथ पर्सनल रिमाइंडर्स टू मूव का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो ये अच्छी बात है। साथ ही में यहाँ पे शेक टू टेक पिक्चर्स, यहाँ पे शटर बटन मिल जाता है, कैमरा शटर बटन, तो ये भी अच्छी बात है। उसी के साथ साथ बी योर ओन स्टाइल आइकन यहाँ पे 5 color shades में मिलेगी, लेदर वाला बहुत ही कूल लग रहा है। वैसे तो मेरे को ग्रे एक्सेंट का ये स्पोर्टी लुक वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि मतलब हाथ पे बहुत तगड़ा लगने वाला है डेफिनेटली। और गाइस, अदर फीचर्स की बात करें, फाइंड माय फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, टॉर्च लाइट, ये सब चीज़ देखने को मिल जाएंगी। गेम्स कैलकुलेटर का यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है, तो देखना पड़ेगा गाइस। वैसे तो फिलहाल तो मैं अनबॉक्सिंग इसकी ज़रूर लेके आऊँगा आप सभी के लिए, ये सिंपल सा प्रीव्यू था। और इसका कंपैरिजन तो किसी वॉच के साथ बनता ही नहीं क्योंकि अलग ही सेगमेंट में चली जाती है, मतलब इस स्टाइल में अभी तक कोई भी कंपनी लेके नहीं आई है इस तरीके की स्मार्ट वॉच, ठीक है। तो ये मतलब प्राइसिंग चेक कर लेते हैं, प्राइसिंग क्या रह सकती है इस वॉच की, इस वॉच की प्राइसिंग 2499 टू 2999 रुपीज़ रह सकती है, मतलब 2500 से 3000 रुपये तक लेके रह सकती है इसकी जो प्राइसिंग है, और बहुत जल्दी सेल पे आएगी। मतलब अब अप्रैल तो आ चुका है,
कल परसों से, तो अप्रैल में ही लॉन्च होने वाली है। फिलहाल गाइस आप इसका वेट करिए और डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी रहेगी अगर ये 3000 रुपीज़ तक के प्राइस ब्रैकेट में भी आ जाती है तो, क्योंकि इसके फीचर्स के हिसाब से मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट लुक के साथ यहाँ पे प्रीमियम भी फील दे रही है वॉच, ठीक है। तो गाइज अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करके भी ना मत जाना, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।